विधानसभा चुनावों में बीजेपी की शानदार जीत और सत्ता वापसी पर जोश में आए नवी मुंबई बीजेपी के युवा मोर्चा ने सीवूज में जमकर जश्न मनाया। युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष दत्ता गंगाले एवं समाज सेविका अश्विनी गंगाले के नेतृत्व में यहां सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने नाचते गाते हुए जलोश किया और पीएम मोदी का जयघोष करते हुए जश्न मनाया। देखिए रिपोर्ट। देश के 5 राज्यों में बीजेपी की जीत से उत्साहित युवा मोर्चा के कार्यकर्ता ने आज नेरुल सीवूड के कई ठिकानों पर नाचते गाते हुए जलोश किया। नवी मुंबई युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष दत्ता गंगाले के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने यहां पटाखे फोड़कर मिठाइयां बांटी और बीजेपी एवं पीएम मोदी का जयघोष करते हुए जमकर जश्न मनाया। युवा नेता दत्ता गंगाले ने कहा कि गोवा, यूपी, मणिपुर और उत्तराखंड में बीजेपी ने न सिर्फ शानदार जीत हासिल की है बल्कि नया इतिहास बनाते हुए सत्ता में दोबारा वापसी की है। युवा नेता ने कहा कि यह तो अभी जाकी है, आने वाले समय में महाराष्ट्र और नवी मुंबई में भी बीजेपी अपना परचम लहराकर रहेगी। नरेंद्र मोदी जी का असर सब जगह दिख रहा है और ये 5 में से 4 विधानसभा भारी बहुमतों से जो भारतीय जनता पार्टी ने जीत हासिल की है और बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं का ये योगदान है और नागरिकों ने उनके प्रति जो विश्वास जताया है, ये नागरिकों की जीत है, देश की जीत है। और क्षेत्र पे आपने देखा कि 2017 के बाद यूपी में 35-40 साल के बाद एक सरकार दोबारा फिर से चुनके आ गई है। इतिहास बदलने का काम भारतीय जनता पार्टी कर सकती है और किसमें ये ताकत नहीं है। और नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आने वाले चुनाव में महाराष्ट्र में भी भारतीय जनता पार्टी की सत्ता बहुमत से आएगी। और हम नई मुंबई की बात करें तो नई मुंबई में आदरणीय यहाँ की विधायिका ममता मात्रे और आदरणीय लोक नेता गणेश जी नाइक, इनके नेतृत्व में महानगर पालिका में भारतीय जनता पार्टी का मेयर बनना तय है और इसे कोई बदल नहीं सकता। ये चुनाव कितना भी आगे खींचे लेकिन भारतीय जनता पार्टी का नई मुंबई में बन कर रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी वन इंडिया। लेटेस्ट अपडेट्स और ताजा तरीन खबरों के लिए टीवी वन इंडिया लाइव को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिए।